बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं अपनी स्टूडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत रफल कफ स्टाइल में स्लीव का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और आप इस कफ की जो लुक चेक करेंगे, देखिए कितना खूबसूरत, कितना स्टाइलिश बना है। तो ये मैंने बहुत ही ईजी स्टेप के साथ तैयार किया है। तो इसकी जो जिसका जो बनाने का तरीका है वो स्टार्ट करते हैं। ये स्लीव्स हैं जिसकी एक साइड पे ऑलरेडी मैंने शोल्डर की जो शेप दे ली, और नीचे मोहरी वाली साइड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर मैंने कोई शेप नहीं दी। लेकिन इस साइड पे ये मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगी। ये मैंने 1.5 इंच पे एक मार्क लगाया है, और जहाँ पे ये मैंने 1.5 इंच का मार्क लगाया है, इसी मार्क पे ये मैं 3/6 इंच टेप रखते हुए, तो ये मैं 3 इंच तक इस तरह कुछ ये मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद इस पार्ट पे ये प्रीक स्टिच लगा के दोनों साइड पे ये इस पार्ट को कवर कर लेना है। तो इधर जी ऑलरेडी ये मैंने कफ कट करके ये सेपरेट फेब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच मैंने ली है, और जो लंबाई है ये जैसा कि अगर 8 इंच तक स्लीव की मोहरी है तो 8 इंच से आपने 1 इंच या एक्स्ट्रा यानी कि 9 इंच ले के ये लंबाई में, क्योंकि ये ऊपर नीचे इस तरह ये टिच बटन लग जाएगा, तो ये 8 इंच ही आपका जो कफ है ये तैयार होगा। तो ये एक साइड से ये देखें फैब्रिक मैंने फ्यूजिंग पेपर तक फोल्ड कर लिया है, और बाकी जो तीनों साइड्स हैं ये मैंने फ्यूजिंग पेपर तक फोल्ड करते हुए प्रेस का मार्क बना लिया है। क्योंकि यहाँ पे ये जो रफल है जो कि मैंने तैयार किया 2 इंच तक ये चौड़ाई में लिया, और एक साइड पे ये मैंने बड़ा बखिया करके स्टिच लगा लिया, और दूसरी साइड पे मैंने ब्रीक स्टिच लगा के तो कवर कर लिया है। तो अब इसके जो ये चुनट हैं अच्छे से एडजस्ट करते हुए, तो ये जो रफल का जो स्टिचिंग वाला पार्ट है जिस साइड पर स्टिचिंग लगाई है उस पार्ट को इस साइड पे एक साइड पे करते हुए, तो ये मैं रफल को जो चुनट है इक्वल सेट करते हुए नीचे जो प्रेस का मार्क मैंने बनाया फैब्रिक पे वहाँ पे ये मैं स्टिच लगा के तो ये दूसरी साइड तक इस रफल को ले जाऊँगी। और जिस तरह ये स्टिच जो स्टार्ट की थी बिल्कुल वैसे ही इस स्टिच को ख़त्म करना है, यानी कि जो रफल का स्टिचिंग वाला पार्ट है वो इस तरह आगे करते हुए तो यहाँ से जो स्टिच है ये ख़त्म करनी है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा रफल है इसकी कटिंग कर देंगे। और इधर ये मैंने एक और स्ट्रिप ली है, जितनी चौड़ाई लंबाई में जिस स्ट्रिप पे मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया कफ के लिए उतनी ही लंबाई चौड़ाई में ये मैंने स्ट्रिप ले ली है। और जैसा कि जो ये स्ट्रिप फ्यूजिंग पेपर वाली देख रहे हैं, इसका तो फैब्रिक फ्यूजिंग पेपर तक फोल्ड है, लेकिन जो स्ट्रिप ली है इसका फैब्रिक जितना ये फ्यूजिंग पेपर वाले फैब्रिक का फोल्ड है उतना ये ऊपर की तरफ करते हुए निकालते हुए, तो इसकी जो रफल है वो अंदर की तरफ ये इस तरह ये सेट करते हुए, तो इस स्ट्रिप को ये फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ ये स्टिच लगा लेनी है, और नीचे से जो रफल है ये अंदर की तरफ अच्छे से ये सेट कर लेनी है ताकि रफल है वो स्टिच के अंदर ना आए। तो अब इस कफ को ये सीधा करके ये मैंने प्रेस लगा लिया। जब प्रेस लगाई थी ये आप लोगों ने स्टेप देखना है कि ये फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट तो ऑलरेडी प्रेस लगा के मैंने फोल्ड किया हुआ था, लेकिन जो ये फैब्रिक वाली स्ट्रिप है इसको फ्यूजिंग वाले पार्ट से ये 2 सूत ये बाहर की तरफ करते हुए तो ये मैंने प्रेस लगाई है कि ये बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर तक नहीं ये मैंने फोल्ड किया, 2 सूत एक्स्ट्रा ये बाहर की तरफ रखते हुए प्रेस लगा ली। और ये स्लीव्स हैं जिस पे मैंने बड़ा बखिया लगा के तो ये इसके जो चुनट हैं ये मैं सेट कर रही हूँ, और जिस पार्ट की ये स्टार्ट में साइड पे कटिंग की थी उस पार्ट को ये मैंने ब्रिक स्टिच लगा के फोल्ड कर लिया है। ये एक्चुअली ब्लैक है, उस तरह ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको हर चीज़ जो है ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। तो अब जी ये जो जिस पार्ट पे स्टिच लगाई थी उस पार्ट को ये कफ के अंदर करते हुए तो ये मैंने स्टिच स्टार्ट किया, और बाकी जो चुनट हैं इनको अच्छे से सेट करते हुए और ये कफ के अंदर ये जहाँ पे बड़ा बखिया लगाया इस जो स्टिच को ये कफ के अंदर करते हुए, तो नीचे से भी आप लोगों ने देखना है कि जो नीचे फैब्रिक वाली स्ट्रिप है वो अच्छे से सेट है, उस पर चुनट वगैरह तो नहीं आई। और ये दूसरी साइड से भी जो
ये कफ के अंदर देते हुए इसके जो चुनट हैं बिल्कुल सेंटर में बराबर ये इनके सेट करते हुए, ये जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने बहुत एहतियात से ये स्टिच लगा लेनी है। और ये बहुत आसानी से इस तरह जो कफ है ये एक ही स्टिच में ये अटैच हो जाएगा और आप लोगों को भी बनाने में बहुत ही इजी लगेगा। तो ये देखें, अब इस स्टिच को इधर ख़त्म नहीं करना, बस इधर से ही जो ये फ्रिल के ये किनारे पे स्टिच ये लगाते हुए, तो दूसरी साइड पे जहाँ से जो स्टिच है स्टार्ट की है उससे थोड़ा सा आगे करके, तो इस जो है स्टिच को ये ख़त्म कर देंगे। और ये जी देखें, ये वो वाला पार्ट है जिस पे ये हमने स्टिच लगाई है, और ये जी ये इस कफ का ये उल्टी साइड है, ये जहाँ ये देखें, और देखें कि एक ही स्टिच में ये दोनों साइड्स ये कवर हो गई हैं। ये इसलिए कवर हुई हैं कि ये जो मैंने फैब्रिक वाली साइड सी ये दो सूत एक्स्ट्रा ली थी। तो जी ये अब मैं अंदर वाली जो स्लीव की सिलाई है वो लगा लूँगी, और ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब मैंने स्लीव्स को कमीज़ के साथ इस तरह अटैच कर दिया था, और ये है इस स्लीव की फाइनल लुक। और ये जी जो नेक डिज़ाइन आप इस कमीज़ का देख रहे हैं ये भी बहुत खूबसूरत बना था, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है और इसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और जी ये मैंने इस स्लीव को ऊपर नीचे ये करते हुए इसका टिच बटन लगा दिया था, और ये ऊपर ये ब्रो जो कि बाज़ार से आम मिल जाते हैं, और ये है इस स्लीव की ये फाइनल लुक। अगर आप लोगों को भी ये मेथड या ये मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तशरीफ लाए हैं तो इसी तरह के यूनिक और खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।